हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आज बकरीद भी है और आज हम लोग टेस्ट भी देख रहे हैं। टेस्ट आज हम लोग देखेंगे दोस्तों। पीछे एक टेस्ट आपका छूट गया था, है ना, उसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। आज टेस्ट नंबर ये 35 था और 35 का पार्ट वन में हम लोग 35 लगभग प्रश्न देखे थे। आज इसका कुछ छूटा हुआ सवाल था, 40 प्रश्न इसमें बाकी था, इसको हम लोग आज देख लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसका पूरा भी हम लोग डिस्क्राइब भी करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, लगभग 35 मिनट का 40 मिनट का क्लास होगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं। 9 बज गई है, 9 बजे से आपकी डेली क्लास होती है। 35 टेस्ट का यह पार्ट नंबर दूसरा है और ये सारे सवाल हम लोग देख लिए थे। 110 तक आपका हो गया था दोस्तों, है ना। आज 111 से देखते हैं, है ना। ये हार्वर्ड के बारे में आप लोग को बता दिया गया था, बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड का ही दिया हुआ सिद्धांत है ना, ये तो आपको पता ही होगा, गार्डनर महोदय, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, ठीक है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। अगर बहुबुद्धि सिद्धांत की अगर हम बात करें तो बहुबुद्धि सिद्धांत का जो प्रतिपादन हुआ था ये हार्वर्ड गार्डनर महोदय के द्वारा हुआ था और ये कब किया गया था तो 1883 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आज हम लोग इसके आगे शुरू करते हैं। 111 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुद्धि बुनियादी उपलब्धि मानी जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, पियाजे महोदय ने दिया था संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो पियाजे दिए थे उन्होंने विकास को कितने भागों में बांटे थे तो चार भाग में बांटे थे, ठीक है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को चार भागों में बांटे थे और ये चारों भाग कौन कौन से हैं मैंने कई बार आप लोग को डिस्क्राइब भी कर चुका हूँ, आज फिर थोड़ा सा बता देते हैं। तो इसमें कह रहा था ना कि वो कौन सी दोस्तों अवधि है जिसमें किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुद्धि बुनियादी उपलब्धि मानी जाती है ना। कोई क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना, जैसे कि संवेदी पेशीय होगा या फिर पूर्व संक्रियात्मक होगा, मूर्त संक्रियात्मक होगा, औपचारिक संक्रियात्मक होगा, वो कौन सी अवधि था जिसमें किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाया जाता है? तो वो था दोस्तों आपका, वो हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको कहा जाता है, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी होती है तो ये आपको बताए थे, 7 से लेकर के 11 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे होते हैं मूर्त संक्रियात्मक वाले, ठीक है। जब बच्चे जन्म लेते हैं उसको कहा जाता है संवेदी गामक, है ना, संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक या संवेदी पेशीय अवस्था भी इसको कहा जाता है। तो ये होता है जीरो से लेकर के 2 वर्ष, यानी कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। और पूर्व संक्रियात्मक कितना होता है तो 2 से लेकर के 7 तक होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक। मूर्त होता है 7 से 11 और औपचारिक जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 12 से लेकर के 15 वर्ष तक, ठीक है। तो ये आप उम्र को भी ध्यान में रखिएगा। पियाजे महोदय के द्वारा 4 सिद्धांत आपको दिया गया था संज्ञानात्मक विकास के, 4 को सिद्धांत ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 112 नंबर, कह रहा है कि विकास का वो कौन सा सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों तक होता है। अब बताइए दोस्तों वो कौन सा विकास का सिद्धांत है जिसमें जो विकास होता है वो कैसे हो रहा है तो शरीर के मध्य से लेकर कौशलों का विकास जो हो रहा है शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिर के तरफ हो रहा है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों आपको अधोगामी विकास, है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अधोगामी, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अधोगामी विकास। चलिए जी देखिए, और भी बहुत सारे विकास है, जैसे कि निकट से दूर का सिद्धांत वाला विकास, या फिर सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत है, सरल से जटिल की ओर सिद्धांत है, या फिर मस्त का धोमुखी सिद्धांत है, ठीक है। तो बहुत सारे सिद्धांत है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा अधोगामी सिद्धांत में क्या होता है, तो यहाँ पर जो विकास होता है शरीर के मध्य से लेकर आरंभ होकर के शरीर के सिर की ओर आरंभ होता है। अगला प्रश्न है आपका 113 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग जो है बालकों में सर्वाधिक अक्षमता तथा असुरक्षा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो वो कौन सा संवेग है, संवेग मतलब
क्या होता है, इमोशन है ना, संदेह का मतलब इमोशन। वो कौन सा इमोशन है बच्चों में जो सर्वाधिक अक्षमता तथा असुरक्षा उत्पन्न करता है ना, तो वो काफी खराब होगा। तो बताइए इसमें क्या होगा, भय दोस्तों, इसको कहते हैं भय। इसका राइट आंसर हो जाएगा भय। भय जो होता है ना, ये बच्चों में वैसा संवेग है जो सर्वाधिक अक्षमता तथा असुरक्षा उत्पन्न करता है बच्चों में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। और हमारे यहाँ देखिए आपको पीडीएफ वगैरह भी सारा चीज मिल जाएगा, अभी ऑफर चल रहा है तो इस ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं। मात्र 251 दोस्तों यहाँ पर आपको चार्ज है ना, ओनली 251 चार्ज है। जो लोग हमारे ग्रुप में अभी तक कभी नहीं जुड़े हैं उनके लिए मात्र 251 कर दिया गया है, 399 पहले चार्ज था है ना, तो इधर घटा दिया गया है। तो जितना जल्दी हो सके आप इसका लाभ ले सकते हैं, अब ज़्यादा समय नहीं है इसीलिए यहाँ पर फी आपको काफ़ी कम कर दिया गया, जिसमें DLED है, समान अध्ययन आपको मिल जाएगा, 8वीं यूनिट मिल जाएगा। उसके अलावा देखिए आज देखिए ग्रुप में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन भी भेजे थे है ना, जिसमें साइंस के प्रश्न ज़्यादा हैं, सोशल साइंस के भी प्रश्न उसमें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वन लाइनर, उसको आप जरूर देखिएगा। लगभग 400-500 क्वेश्चन होगा वन लाइनर है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप वो मैं दे देता हूँ, 7857824310, ठीक है। तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर है जहाँ आप हमारे यहाँ जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ मात्र 251 में। और जो लोग हमारे यहाँ पहले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि क्लास तो बहुत दिनों से चल रही है ना, 2 साल से, तो उनका मात्र 101 रुपया चार्ज है दोस्तों है ना। जो पहले से जुड़े हुए हैं अगर वो चाहते हैं लेने के लिए फिर से, तो 101 रुपया उनको चार्ज लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 114 नंबर, कह रहा है कि प्रभावी पाठ योजना के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है ना। प्रभावी पाठ योजना के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता पूछ रहा है दोस्तों क्या होगा। ईमानदारी और समर्पण, शिक्षण के विभिन्न तरीकों और विधियों का ज्ञान, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान या शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता। इसका आंसर क्या होगा 114 का, 114 का आंसर हो जाएगा आपका विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर है 115 नंबर। 115 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खेलों के द्वारा बालकों में विकास संभव है। बताइए खेलों के द्वारा बालकों में विकास संभव है? जी हाँ, खेलों के द्वारा बालकों में विकास तो संभव है। ऑप्शन कह रहा है कि सहयोग, सामंजस्य की भावना का विकास, पारंपरिक सम्मान देने की कला का विकास, या फिर सामाजिक सद्गुणों, या फिर शारीरिक व मानसिक विकास। तो खेल के द्वारा बच्चों में इन सभी चीजों का विकास किया जा सकता है दोस्तों है ना, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है, चार भी सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका एक ऑप्शन नंबर ई, यानी कि एक से अधिक। और यही ऑप्शन आपको एग्जाम हॉल में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन देखिए खुद भी आप सोच सकते हैं ना कि खेल के द्वारा बहुत सारे बच्चा का विकास होता है, शारीरिक है, मानसिक है ना, शारीरिक विकास होता है खेल से, मानसिक विकास होता है कि नहीं। आर्थिक विकास तो नहीं होगा बच्चों में है ना, लेकिन शारीरिक होगा, सामाजिक विकास होगा, एक दूसरे को सम्मान देने का विकास होगा, बहुत सारा सहयोग की भावना का विकास होगा खेल से, ठीक है। आंसर हो जाएगा एक से अधिक। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 116 नंबर, कि परियोजना विधि के जनक किसे माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है परियोजना विधि, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और कई बार हम बता चुके हैं, तो याद रखिएगा परियोजना विधि के जनक जो है वो जॉन डीवी हैं। कौन है दोस्तों? जॉन डीवी, ध्यान रखना है परियोजना विधि जॉन डीवी। परियोजना विधि को ही दोस्तों व्यवहारिक विधि भी कहा जाता है, ठीक है, इसी को अगर लिख दिया जाए व्यवहारिक विधि, तो व्यवहारिक विधि भी वो आपका जॉन डीवी ही होंगे, आपको घबराना नहीं है। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन दिए थे? तो जीन पियाजे, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट था जीन पियाजे वाला, तो एक तो पूछेगा है जीन पियाजे वगैरह से। प्रश्न है कि सामूहिक चर्चा के बाद शिक्षक छात्रों से पत्र लिखने को कहता है, जिसका अर्थ क्या है? बताइए, सामूहिक चर्चा किया गया है क्लास में और उसके बाद जो शिक्षक है वो छात्र से क्या कह रहे हैं? पत्र लिखने के लिए। इसका क्या अर्थ है? ध्यान की जांच करना, या फिर लेखन की जांच करना, या श्रवण की जांच करना, या प्रत्युत्तर देने की जांच करना। 117 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा, क्या होगा दोस्तों 117 का? देखिए 117 का आंसर हो जाएगा आपका प्रत्युत्तर देने की जांच करना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा है ना, जिसका अर्थ क्या है कि मौखिक एवं लेखन क्षमता, ठीक है, प्रत्युत्तर मतलब हो गया मौखिक भी
और उसकी लेखन क्षमता की जांच करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 118 की रचनात्मक लेखन के तौर पर चित्रांकन आधारित लेखन किस प्रकार महत्वपूर्ण है। दोस्तों बताइएगा, है ना, रचनात्मक लेखक के तौर पर चित्रांकन आधारित लेखन किस प्रकार महत्वपूर्ण है। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? ऑप्शन कह रहा है कि चित्राधारित कहानी लेखन, चित्राधारित संवाद लेखन, रिक्त स्थान वाले चित्रों की पूर्ति या चित्र की आधार पर स्मृति की जांच। 118 का आंसर हो जाएगा आपका चित्र की आधार पर स्मृति की जांच हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 119 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिगम कौशल में कर्म और अर्थ निर्माण साथ साथ संभव होता है। बताइए, है ना, वो कौन सा अधिगम कौशल है दोस्तों जिसमें कर्म और अर्थ का जो निर्माण है वो साथ साथ संभव होता है, वाचन पाठन में या लेखन पठन में या श्रवण लेखन में या पठन श्रवण में। तो 119 का आंसर होगा आपका लेखन और पठन में। ठीक है, लेखन और पठन में ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आप लोगों को ग्रुप में जो चीज दिया जाता है उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, है ना, उसको आप लोग पढ़ते रहिए, है ना, वो इम्पॉर्टेंट रहता है इसलिए ग्रुप में आप लोग को दिया जाता है। कुछ एक्स्ट्रा भी PDF वगैरह हम भेज देते हैं कभी कभी, है ना, साइंस के, सोशल साइंस के या फिर वन लाइनर वगैरह कुछ भी, तो उसको देखिए, है ना, वो भेजा गया है सिर्फ रखने के लिए नहीं, उसको पढ़ने के लिए, जब भी टाइम मिले उसको रिविजन करने के लिए। ठीक है, तो उससे अभी आपको काफ़ी फायदा होगा एग्ज़ाम में। प्रश्न है 120 नंबर की बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। ठीक है, इसीलिए ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप में बहुत सारे जितने शिक्षक हैं 300 400 500 है ना, ऐसे हजारों शिक्षक हैं नए ग्रुप में, तो अभी लगता है 300 400 शिक्षक होंगे, है ना, ऐसे हजारों पहले से जुड़े हुए हैं लगभग, और भी बहुत सारा ग्रुप है ना, अभी तो एक नया ग्रुप में जुड़ रहे हैं, ऐसे इस प्रकार से लगभग 10-15 ग्रुप है लगभग। ठीक है, 15 ग्रुप है, उसमें हजारों लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों। ठीक है, बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं, बच्चे के पहला शिक्षक कौन होता है, पहला कौन होता है, माता पिता ही होंगे, है ना, पहले तो गांव घर में कौन रहता है, माता पिता ही होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका माता पिता, कुछ सोचना ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि दूरस्थ शिक्षा, है ना, दूरस्थ शिक्षा किसको कहते हैं, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन से हम लोग भी, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई MA कर रहा है, है ना, तो डिस्टेंस एजुकेशन की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों, है ना, इसकी विशेषता कौन सा है। कह रहा है कि अध्ययन की स्वतंत्रता है, आकाशवाणी दूरदर्शन द्वारा शिक्षा, पत्राचार, पाठ्यक्रम की सुविधा, विद्यालय से स्वतंत्रता। क्या होगा 21 का आंसर क्या होगा? देखिए, दूरस्थ शिक्षा की विशेषता जो होगी, यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है इसमें एक से अधिक सही है, है ना, यहाँ भी जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक है। यह परंपरागत शिक्षा व्यवस्था से भिन्न है, है ना, क्योंकि इसमें आप घर में रह करके आराम से पढ़ सकते हैं, आपको कॉलेज स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें शिक्षक ही छात्रों तक पहुंचता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों, है ना, विद्यालय से इसमें स्वतंत्रता रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं 122 है कि सभी को शिक्षा नीति कार्यान्वयन हेतु बिहार में सरकार ने शिक्षा परियोजना के तहत कौन सा कदम उठाया है। बताइए, सभी को शिक्षा नीति, तो सभी को शिक्षा नीति के तहत कौन सा उठाया गया है दोस्तों? बहुत सारी परियोजना है, बहुत सारे सरकार के द्वारा परियोजनाएं चला रही है, जैसे कि सामुदायिक निगरानी एवं ग्राम शिक्षा समिति का गठन, NGO भागीदारी एवं पंजीकरण अभियान, शिक्षण अधिगम संबंधों कार्यशालाओं का आयोजन, महिलाओं के लिए कोर समूह की रचना। यहाँ भी जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आंसर नंबर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार जैसे ही सवाल पूछे दोस्तों, है ना, आप देखिए बिहार में जो शिक्षा का पूरा कार्यान्वयन करना है तो कोई एक परियोजना से तो होता नहीं है, बहुत सारी परियोजनाएं हैं, है ना, और बहुत सारी परियोजनाओं में आपका ऑप्शन एक से अधिक दिया हुआ रहेगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ई नंबर में जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 123 नंबर की अध्यापक की मुख्य भूमिका को किस रूप में चिन्हित किया जाता है, है ना, शिक्षक की मुख्य भूमिका को किस रूप में चिन्हित करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? नेता के रूप में, आयोजक, प्रबंधक, प्रेरक। तो 123 का हो जाएगा दोस्तों, ना ही इसको हम नेता कहेंगे, ना ही आयोजक कहेंगे, ना ही प्रेरक कहेंगे, इसको कहेंगे प्रबंधक। ठीक है, प्रबंधक के रूप में दोस्तों चिन्हित किया जाता है एक शिक्षक को। ठीक है, कोई सोचने नेता वगैरह तो होगा नहीं, आपको ऑप्शन छाटते हुए चलना है,
अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 124 नंबर। और देखिए ये हमारा चैनल है करियर परिवार, है ना, करियर परिवार हमारा चैनल है, इसको आपको सब्सक्राइब जरूर करना है प्लीज, इसको सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये नंबर भी आपको दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, जहाँ से व्हाट्सएप में गुड़ के जुड़ जाइए, वहाँ पर सारे PDF नोट्स आपको समान अध्ययन DLED 8वीं यूनिट का सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है सभी चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 124 नंबर। 124 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास जो है वो आध्यात्मिक विकास का आधार है दोस्तों, है ना, वो कौन सा विकास है जो आध्यात्मिक विकास का आधार है। तो ऑप्शन है नैतिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इसका आधार पूछ रहा है। तो आधार सबसे पहले नैतिक विकास हो जाएगा, ठीक है, नैतिक विकास ही इसका आधार होता है, ऑप्शन नंबर आपका ये होता है, यानी जड़ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 125 नंबर। 125 नंबर सवाल है कि प्राथमिक कक्षा में, प्राथमिक की बात कर रहा है यानी कि 1-5 की बात कर रहा है, ठीक है। तो प्राथमिक कक्षा में बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावकों एवं माता पिता को आकर्षित करने हेतु कौन सा उपाय कारगर सिद्ध हुआ है, ठीक है। तो प्राथमिक कक्षा में कह रहा है बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावक जो हैं माता पिता हैं इसको आकर्षित करने के लिए कौन सा उपाय किया गया भाई, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य सामग्री, निःशुल्क पोशाक। अब जो माता पिता होंगे उनको तो पता है, जो शिक्षक है उनको भी पता है कि स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दी रही है, कोई पैसा नहीं लगता है सरकारी स्कूल में, पाठ्य सामग्री भी निःशुल्क मिलता है, पोशाक भी इसका भी पैसा वगैरह मिलता है, मध्याह्न भोजन भी मिलता है, तो सभी सही है, इसमें सोचने की बात क्या है, है कि नहीं। इस प्रकार के सवाल का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार किस संवैधानिक अनुच्छेद में प्रदान किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अनुच्छेद आपका मौलिक अधिकार है। ये अनुच्छेद क्या है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत दोस्तों इसको जगह दिया गया है कि जितने अल्पसंख्यक हैं, है ना, इनको अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना या प्रशासन का अधिकार दिया गया है, और ये अनुच्छेद आपका 29 में है, है ना। अनुच्छेद कितना होगा, अनुच्छेद होगा 30 नंबर, अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 127 नंबर। और देखिए वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं, काहे नहीं किए हैं भाई साहब, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक बटन दबा दीजिए, है ना, और सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि बहुत ही काम आने वाला है, आपको कहीं भी ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार एक विद्यालय शिक्षक चयन की नीति अपनाई गई है, है ना, विद्यालय शिक्षक चयन की नीति अपनाई गई है जिसमें विद्यार्थी शिक्षक का अनुपात कितना है, 1-2-3-4 क्या होगा दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार एक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षकों का प्रावधान है, चाहे नामांकित बच्चों की संख्या कम ही क्यों न हो, यानी कि यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, कम से कम 2 बच्चों की यहाँ पर जरूरी है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार कम से कम 50% महिला शिक्षिका होनी चाहिए, आना अगर ये क्वेश्चन पूछे कि महिला शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 50% किसके अनुसार, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार, ठीक है। यदि एक विद्यालय में 80 या उससे कम बच्चे नामांकित हो तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 128 नंबर की। महान विचारक जॉन डीवी के अनुसार विमर्शी व्यक्ति का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो विमर्शी व्यक्ति का प्रमुख लक्षण क्या है, एक निष्ठता, उत्तरदायित्व बोध, विचारों में खुलापन या कर्मठ, या यहाँ जो आंसर होगा दोस्तों एक निष्ठता भी होगा सही है, उत्तरदायित्व बोध भी है, खुले विचारों में खुलापन भी है और कर्मठ भी है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। और आप लोग को भी एग्जाम में 5 ऑप्शन पूछेगा, तो 5 ऑप्शन वाला मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करवा दिया हूँ, अब आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ 4 ऑप्शन वाला भी करवाए हैं, आगे भी और भी करवाएंगे। अगला प्रश्न है आपका 129 नंबर। 129 कह रहा है कि NCERT की प्रधान संस्था निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है, NCERT की प्रधान संस्था जो है ये किस नाम से जानी जाती है बताइए। NCERT के बारे में भी मैंने कई बार आप लोग को चर्चा कर चुका हूँ, NCERT के बारे में डिटेल से भी पढ़ाएं कि NCERT क्या है, है ना। चलिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसके प्रधान संस्था हो जाएगा आपका कार्यक्रम सलाहकार समिति,
ठीक है, कार्यक्रम सलाहकार समिति, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न है 130 नंबर की, एनसीईआरटी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी आपके सिलेबस में दिया हुआ है और क्वेश्चन भी सिलेबस के अनुसार ही है, ठीक है, फालतू नहीं है। तो एनसीईआरटी के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं। और आपको भी बताना है कि मानव संसाधन विकास मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, जल्दी से बताइएगा कि मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा बाद में, लेकिन ज़रूर बताइएगा, बताने से याद होता है। अगला प्रश्न है 131 नंबर की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। देखिए पूर्व संक्रियात्मक, अभी ने बताए थे थोड़ा देर पहले कि पियाजे महोदय ने है ना संज्ञानात्मक विकास को चार अवस्था में विभाजित किए हैं, और संज्ञानात्मक विकास के चार अवस्था कौन कौन से हैं, तो चार अवस्था है आपका संवेदी पेशीय, मूर्त पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संज्ञानात्मक क्षमता आती है, तो कौन सी आती है भैया, तो आंसर हो जाएगा आपका लक्षण, इसको सॉरी लक्षण नहीं लक्ष्य, इसको कहा जाता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। और इसकी उम्र कितनी होती है, तो इसकी उम्र होती है आपका 2 साल से लेकर के 7 वर्ष तक के बच्चे, ठीक है, याद रखना है 2 साल से लेकर के 7 वर्ष तक के बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 132 नंबर, निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है, प्रतिभावान विद्यार्थी के बारे में बताना है कि उसकी विशेषता क्या होती है, तो प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता होती है दोस्तों क्या, धीमी समझ है। भैया जब प्रतिभावान बच्चा है तो धीमा कैसे होगा, जिज्ञासा की कमी क्यों होगा उसमें, आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति काहे होगा उसको, सोच में सटीकता की आवश्यकता है ना, ऑप्शन के अनुसार देखिए सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़िए पांचों, उसके बाद ही जवाब दीजिए तभी सही होगा, एक ऑप्शन पढ़ के जवाब दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 133 नंबर, कह रहा है कि एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं, ऐसे उदाहरण को क्या कहा जाता है, एक भ्रांति कहते हैं, एक गैर उदाहरण कहते हैं, एक अधिरूप कहा जाता है, या एक अपवाद कहते हैं, तो इसको कहा जाता है दोस्तों एक अधिरूप, है ना, इसको एक अधिरूप कहा जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, ध्यान रखना है, इसको एक अधिरूप कहते हैं। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आवे ना एक से दो बार उसको पढ़िए, समझ में आ जाएगा। प्रश्न है आपका 134 नंबर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किसके महत्व पर बल देती है। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि NCF 2005 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा NCF से, ठीक है। तो ये किसके महत्व पर बल देती है दोस्तों, ये महत्व पर बल देती है सक्रिय जुड़ाव और बातचीत, ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक चीज आपको बता दूं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो NCF 2005 है इसकी कुछ कुछ विशेषताएं क्या होती है, इसकी कुछ कुछ विशेषताएं क्या है दोस्तों, तो नोट करिएगा। जैसे कि इसका विशेषता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मुख्य रूप से पाठ्यक्रम पर निर्भर है, है ना, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया है NCF 2005 के अनुसार, पर्यावरण शिक्षा पर महत्वपूर्ण स्थान माना गया है पर्यावरण शिक्षा को, समावेशी वातावरण पर बल दिया गया है NCF 2005 में, ठीक है, समस्या समाधान के कौशल विकास पर बल दिया गया है NCF 2005 में। तो ये सारे NCF 2005 की विशेषताएं हैं, और NCF 2005 से एक सवाल या दो सवाल आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा, ठीक है, इसका थ्योरी भी हम आप लोग को दे चुके हैं, पढ़ते रहिएगा। अगला प्रश्न है आपका 135 नंबर की, लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना किसे बढ़ावा देता है। तो देखिए इस प्रकार का जैसे ही सवाल आवे दोस्तों कि लड़कों के लिए ये लड़की के लिए वो, है ना, लड़का के लिए ये लड़की के लिए वो, तो आपको आंख बंद करना है और लिंग रूढ़िवादिता जहां दिखे उसको टिक कर देना है, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो ये है आपका लिंग रूढ़िवादिता
यहाँ पर दर्शाता है दोस्तों। या फिर जैसे लड़की को नहीं पढ़ाया जाता है या लड़कों को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को घर पर रखा जाता है, लड़कों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको आँख बंद करना है, लिंग रूढ़िवादिता खोजना है, उसमें टिक कर देना है। अगला प्रश्न है आपका 136 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा है। बताइए निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रस्ताव रखा है। तो नैतिक विकास, नैतिक विकास जैसे ही आ जाए तो लॉरेंस कोहलबर्ग है ना। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग। रट लीजिए नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है, याद रखना है ना। और लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे दोस्तों ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, है ना, ये अमेरिका के थे, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 137 नंबर, 137 कह रहा है कि हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिक करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है? भाषा विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास या सांस्कृतिक विकास। मेरा बेटा रो रहा है हम दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और पढ़ाते हैं और उसको लगता है कि पापा क्या कर रहे हैं पता नहीं, है ना, और वो फिर दरवाज़ा पीटना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका नैतिक विकास। थोड़ा सा दिमाग इधर उधर भटक जाता है, है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका नैतिक विकास। अगला प्रश्न है आपका 138 नंबर, कह रहा है कि एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, यह योग्यता क्या कहलाती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इस योग्यता को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इस योग्यता को सहानुभूति कहते हैं, तदानुभूति कहते हैं, उदासीनता कहते हैं, ग्लानि कहते हैं, इसको कहा जाता है आपको तदानुभूति, है ना, इसको कहते हैं तदानुभूति, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 139 नंबर कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी। बताइए समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना का जो विकास किया था, प्रतिपादित किया था, वो कौन थे? तो वो हो जाएंगे लियो वाइगोत्स्की, है ना, याद रखिएगा लियो वाइगोत्स्की हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रतिपादित वाले, सिद्धांत वाले क्वेश्चन जो है ना जरूर पूछता है, और याद रखना है समीपस्थ विकास का सिद्धांत लियो वाइगोत्स्की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 140 नंबर कि शारीरिक लक्षण जैसे कि आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग, ये क्या कहता है दोस्तों, है ना, आप देखते होंगे शारीरिक लक्षण जैसे कि है आंखों का रंग या फिर ऊंचाई है, बालों का रंग, ये क्या है, वंशागत है या मुख्य पर्यावरणीय कारक है या फिर सांस्कृतिक कारक है, क्या होगा? 140 का ऑप्शन पढ़िए फटाफट, इसका जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? देखिए ये जो है ना ये वंशागत होता है, है ना, जैसे कि आपके फैमिली में अगर किसी का है तो आपको ये हो सकता है, इसको कहते हैं वंशागत, वंशानुगत होता है, है ना, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 141 नंबर, 141 कह रहा है कि विकास, विकास के विषय में सही वक्तव्य को चुनना है। बताइए कौन सा सही है, विकास के विषय में सही वक्तव्य कौन सा है? तो विकास एक दिशीय और एक आयामी होता है, या विकास परिवर्तनीय है, या विकास पूर्ण रूप से आंशिक से योजनाबद्ध है, या सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति में विकास के पड़ाव को प्राप्त करते हैं, क्या होगा 141 का? 141 का राइट आंसर भाई साहब होगा कि विकास क्या है, परिवर्तनीय है, है ना, विकास एक जैसा थोड़ी होता है, सबका अलग अलग विकास होता है भाई साहब, इसीलिए विकास जो हो जाएगा परिवर्तनीय हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 142 नंबर, 142 कह रहा है कि जेंडर, अब जेंडर क्या है दोस्तों बताइएगा, जेंडर क्या है? जन्म के समय निर्धारित होता है, या अनुवंशिक विशेषताओं द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, या सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, या एक यांत्रिक गुण होता है, क्या होता है जेंडर? तो जेंडर जो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कि सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 143 नंबर, 143 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज
इस कथन की अनुशंसा करता है कि शिक्षक को यह पहचानने और महत्व देने के लिए सशक्त होना चाहिए कि बच्चे अपने घर सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से क्या सीखते हैं और बच्चों के लिए खोज के अवसर पैदा करते हैं। बताइए दोस्तों, ये इस कथन की अनुशंसा कौन करता है? एनसीएफ 2010, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1986। बीएसईबी 2001 क्या होगा? 143 का आंसर हो जाएगा एनसीएफ 2005, है ना। अगला प्रश्न है आपका 144 नंबर। कह रहा है कि कई अध्ययनों से पता चला है कि द्विभाषी क्षमता के स्तर को बढ़ाती है। अब द्विभाषी क्षमता के स्तर को कौन बढ़ाती है? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता, विविध सोच या भाव, भाषाओं पर पकड़। 144 का आंसर क्या होगा? देखिए, द्विभाषा क्षमता में स्तर तभी बढ़ सकता है जब संज्ञानात्मक विकास भी हो, विविध सोच हो, भाषाओं पर पकड़ हो, सामाजिक सहिष्णुता हो। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 145 की। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य का निर्माण है। अब अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य का निर्माण क्या है? द्विभाषावाद या बहुभाषावाद या केवल अंग्रेजी या केवल मातृभाषा पर पकड़। 145 देखिए, केवल अंग्रेजी और केवल मातृभाषा पर पकड़ तो ऐसे ही गलत हो गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बहुभाषावाद, ठीक है, आंसर हो जाएगा बहुभाषावाद। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 146 नंबर। 146 कह रहा है दोस्तों कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक क्या है? व्यक्तिगत वाक क्या होगा? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कह रहा है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। ठीक है, व्यक्तिगत वाक का मतलब हुआ कि विनियमित जो सोच है, है ना, अपनी सोच जो है विनियमित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 147 नंबर। 147 कह रहा है दोस्तों कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान निम्न में से निम्न की संस्तुति के बाद अस्तित्व में आए हैं। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, है ना, किसकी संस्तुति के बाद अस्तित्व में आया है? कोठारी आयोग, एनसीईआरटी, शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति या राममूर्ति समिति। 147 का आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, इसी के संस्तुति के आधार पर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जो है इसको अस्तित्व में लाया गया है। ठीक है, चलिए, और 1986 जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके द्वारा ही दोस्तों दिया गया था आपको 10+2+3, है ना, इसी आधार पर हम लोग कर रहे थे पिछले बार, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 148 नंबर। कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण तकनीक प्रयोग की जाती है, तो सूक्ष्म शिक्षण तकनीक किस में प्रयोग करते हैं, है ना, तो इसको जो प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण तकनीक, वो प्रयोग किया जाता है आपका विशिष्ट शिक्षण कौशलों में अध्यापकों को तैयार करने में दोस्तों, है ना, अध्यापकों को तैयार करने में इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण तकनीक। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 149, सेकेंड लास्ट सवाल है कि मारिया मोंटेसरी का नाम निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? बताइए, मारिया मोंटेसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मारिया मोंटेसरी के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा है। तो मारिया मोंटेसरी जो है दोस्तों, इन्होंने ही प्री स्कूल शिक्षा से जुड़ा हुआ है ना, इसका जो नाम है वो प्री स्कूल शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मारिया मोंटेसरी, ठीक है, प्री स्कूल शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीर से बंधा रहता है, यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, याद कर लीजिएगा, है ना, ये कथन को याद कर लेना है कि जो मनुष्य होता है, है ना, वो जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जंजीर में बंधा रहता है, और ये जो कथन है वो कथन हो जाएगा आपका किसका? तो ये कथन है आपका रूसो महोदय का, ठीक है, रूसो का ये कथन है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आज का अंतिम प्रश्न, कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और इसका पीडीएफ आप लोग को ग्रुप में हम भेज देंगे, है ना,
जो लोग भी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं, न्यू बैच की पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नए ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मात्र आपको 101 रुपया पे करना पड़ेगा। जो हमारे पुराने टीचर हैं जो पहले से ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उनको नया वाला आपको मिल जाएगा मात्र 101 में, ठीक है। और जो लोग अभी तक हमारे यहाँ नहीं जुड़े हैं, पहली बार इसमें जुड़ रहे हैं, तो मात्र उनको 251 पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे। कैसे मिलेंगे दोस्तों, ये नंबर आपको दिया गया है, और मात्र ये ऑफ़र ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और कम कर दिया गया है फी। आपको इसी नंबर पर आपको फ़ोन पे गूगल पे के माध्यम से आपको पे करना होगा, और पे करने के बाद ये नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है, इसी पे आप हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा पेमेंट करने के बाद, जो भी आपका व्हाट्सएप होगा। देखिए, पेमेंट आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं, है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो व्हाट्सएप है उसी से आपको करना है। पेमेंट आप दूसरे नंबर से भी कर लीजिए, अपने दोस्त से भी करा सकते हैं, नहीं यूज करते हैं आप फ़ोन पे गूगल पे तो, ठीक है। लेकिन आप हमें अपने नंबर से, हमें इस नंबर पर स्क्रीनशॉट ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि आपको जोड़ सके, आपको पीडीएफ नोट्स हम भेज सके, ठीक ना। चलिए तो दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल, है ना, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए जितना ज़्यादा हो सके। और एग्ज़ाम जो है आप सभी का 29 जून जो है संभावित डेट है, है ना, 29 जून संभावित डेट है। बढ़ भी सकता है, उम्मीद है कि बढ़ ही जाएगा, कम ही उम्मीद लग रहा है, क्योंकि अभी तक एडमिट कार्ड से संबंधित कोई सूचना नहीं आया है, ठीक है। जैसे ही कोई सूचना आएगा तो आप लोग को दे देंगे, बता देंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, आज तो बकरीद था। चलिए, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।